नमस्कार दोस्तों, अभी अभी एक मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के राज तिलक की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बड़ा बदलाव सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून को नहीं बल्कि 9 जून को होगा, यानी अब पीएम मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री पद पर रहे। पीएम मोदी यह उपलब्धि हासिल करने वाले देश के दूसरे और बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह इस बार चुनावी नतीजों के 5वें दिन आयोजित किया जा रहा है। पहले यह कार्यक्रम 8 जून को होने वाला था, लेकिन अब इसमें बदलाव की बात हो रही है। 2019 में 7 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। इसके अलावा 2014 में सरकार बनने के 10 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इस बार पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। बता दें कि एनडीए को 293 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल मिली है। हालांकि पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी को सीटों का नुकसान हुआ है, लेकिन एनडीए सरकार बनाने में सफल रही। ऐसे में अगले 5 साल तक देश एक बार फिर मोदी सरकार के नेतृत्व में चलने वाला है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मोदी के शपथ ग्रहण में बदलाव हुआ है। 8 जून के बजाय अब 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।